Hello guys, welcome back in ManVeer Zone. This is ManVeer. Today we are going to react on world best motivational video by Sandeep Maheshwari. Yeah. आप सबके suggestion थे यार कुछ inspiration, कुछ motivational videos पर react करें. So definitely we are going to react और Sandeep Maheshwari की मैंने काफी सारे videos देखे हैं. बहुत ज़्यादा inspiring बंदा है. Seriously जो जैसे बातें बोलते हैं ना, मैं तो खड़ा हो गया एक दिन, चल दिया था हाँ मैं कुछ करने जाऊंगा. फिर बट भैया थोड़ी देर बाद पता लगे नहीं, सीरियसली होता है यार, आप कर सकते हैं अगर काफी चीज़ थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ता है ना. एग्जैक्टली हम 3 घंटे की मूवी देखते हैं और उसमें बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ दैट राइट. मैं मेरे को आज भी याद है अपनी फर्स्ट मूवी जब मैं देखने गया था, देन आफ्टर मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था हाँ ऐसे बन गया. और फिर जैसे बाहर आया तो उसमें अच्छा यार. मैं आपको एक सीन केस शेयर करूंगी आपके साथ बट आफ्टर दिस. राइट सो मैं भी वन विद यू हियर वी गो. फेयर यूज कॉपीराइट क्लेम. ओके ये कहानी है 1938 कैरोली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था. जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में उसको वो जीत चुका था. और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा. और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी. उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है. और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड. सिर्फ 2 साल का फर्क. 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था. क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया. उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया. जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म. उसके पास 2 रास्ते थे. एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे. तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था. उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था. जो उसके पास था. और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था. 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला साथ के लिए. और सही 1 महीने बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है साथ के. ट्रेनिंग के 1 साल बाद मतलब कि 1939 में वो वापस आया. नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वहीं पे हंगरी में और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर. उन्होंने जा करके उसको कंग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बाद भी यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बनाने के लिए. किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की. और उसने जवाब दिया, मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ. और कॉम्पिटिशन हुआ. बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से. ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से. ओनली हैंड से. कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड कैरोली जीत गया. लेकिन वो यहां नहीं रुका. उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है.
उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे जब ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर से कैंसिल। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पीट किया उसने, फिर जीता। और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरोली। 4 साल बाद दोबारा से और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स। इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। अब किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ 1 वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है और वो कर जाएगा। Awesome. Karoly. Yeah, very, very, very inspiring video. I told you. बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगता है like, उठकर चलो। Oh my God. Goosebumps हो रही थी जैसे से उसकी stories increase हो रही थी। World shooters to win 2 Olympic gold medals in 25 meter rapid fire relay. Amazing. हिंदी में बोल देती तो ज़्यादा अच्छा रहता ना। So मतलब बहुत बहुत ज़्यादा inspiring video है और सही बोला last में, it's a kind of rationalization। जब हम हार जाते हैं तो हम excuse बनाना शुरू कर देते हैं यार, because of this हम लोग नहीं कर पाए, because of that। But right, opportunities बहुत आती है life में। और इतनी बड़ा लूज करके अपने राइट हैंड को कर सब कुछ एक तरीके से रियली वेरी अमेजिंग अगेंस्ट स्टैंड होना भी, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। सीरियसली इट वाज जस्ट लाइक कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बैकअप नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना आपको अमेजिंग। सिर्फ एक नाम था कि हाँ मुझे करना, एक एम था कि यस लेट्स कुछ एम्स, जैसे हम शायद हम भी अपनी अपनी लाइफ में एक एक एम बनाते हैं, डेफिनेटली बनाते हैं कि हमें ये करना है ये करना है, बट नहीं हो पाता तो बोलते हैं यार ये इस वजह से नहीं हुआ, ये इस वजह से नहीं हुआ। बट वही बात है ना कि अच्छा आपका अब अपने अपने एम्स आप कमेंट में बताएंगे और अभी एम्स मन बताएगी, देन आफ्टर आई विल डेफिनेटली टेल यू। आपको अपनी लाइफ का एम ही नहीं है, एमलेस पर्सन। Thing is ki when you are like in अरे ये बोल दो तो आप बहुत से you know plan करते हैं अपने mind में, बहुत सी चीजें चलती हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे बनना है। When you are in college तो आप सोचते हो कि अच्छा एक field आप choose कर चुके होते हो already, तो आपको ये लगता है कि फाइनल मुझे इस फील्ड में बहुत अच्छा करना है। फिर जब उस फील्ड में करते हो तो आपको यार एक प्रेशर फील होता है, फिर भी आपको लगता है कि मुझे अब इस जो जॉब है जो भी प्रेशर फील हो रहा है तो इट मींस कि इट्स लाइक आप पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है एट अ टाइम। आपको यू नो अपने जो एनवायरमेंट है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि यू नो ये करो वो करो लाइफ में, और योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स पीयर्स जो भी होता है, सो एक प्रेशर होता है। मैं ये बात बोल रही हूँ और मेरे लिए सीरियसली ये स्टार्टिंग से रहा है और मैंने ये फेस किया है। बट द थिंग इज कि आज I just want to be happy. That's it. एक life में मुझे सिर्फ सिंपल सा वर्ड बताया कि मुझे खुश रहे,
सीरियसली मतलब ये एमलेस पर्सन है आप, नहीं देखो आपको बुरा लगेगा, डेफिनेटली बुरा लगेगा, आप अगर लाइफ के एम्स ही खत्म कर लोगे तो व्हाट कैन यू डू. आपने बोला प्रेशर बढ़ता रहा, प्रेशर प्रेशर, इट मींस दैट वाज नॉट अ फेवरेट पार्ट व्हिच यू डिड. मेन थिंग इज दैट कि जब अगर आपको प्रेशर बिल्ड हो गया इट मींस यू आर जस्ट वेस्ट योर वर्क. सो दैट्स व्हाई दैट वाज मींस इट जस्ट यू जस्ट वेस्ट योर टाइम एंड डू एक्चुअली जो आप करना चाहते थे वो कीजिए. सो देखो मैं जो बात बोलूँ ठीक बोलूँगा, मेरा एम अभी फिलहाल का यही है. एज अ प्रोफेशन आई एम गोइंग गुड एंड एज अ यूट्यूबर आई जस्ट वॉन्ट टू बी पुट आर 1K वीडियोज ऑन यूट्यूब. दैट्स इट, मेरा एम यही है. दैट्स वाई आप देख सकते हो Hopefully you yeah. are with me or not, but I'm just going to be put 1K videos on our channel. Definitely. That's why you always think ki, you always remember ki main daily videos kyun dal raha hu, just because of this. 28 videos a month means daily. Agar aapko aana hai, agar jitne bhi din hum jo bhi shoot karte hain, to it was really very hectic work actually. Agar aapko bole to आपको प्रोफेशनल लाइफ भी अपनी यहाँ पर भी सब कुछ बहुत कुछ करना पड़ता है. सो मेरा तो अब बेसिकली ये है, मैं उसके बाद कुछ बनाऊंगा. मैंने कोई सब्सक्राइबर्स आप जो आएंगे बिल्कुल आएंगे और डेफिनेटली वी वेलकम, वी वेलकम यू. और सीरियसली हमें आपका प्यार मिल रहा है, दैट्स वाई ये एम सोच पाया मैं. अदरवाइज अगर आप नहीं प्यार करते तो डेफिनेटली नहीं करवाएंगे. बट आप सबका प्यार ऐसे कॉन्टिन्यू डेफिनेटली चाहिए और 1K वीडियोज डेफिनेटली हम पुट करेंगे. नाइस ना, पता भी नहीं था इस बंदे को. नहीं पता था? नो सीरियसली, नो मैंने तुम्हें बताया नहीं. नो आइडिया अबाउट इट. ही इज माय बीएफएफ, फिर भी मुझे कोई बात शेयर नहीं करता. सो ये बीएफएफ छोड़ दो, बीएफ लग जाएगा. So, I'm a boy, like, you are my friend, so this boyfriend, so you. और या मैं आपसे एक चीज शेयर करने वाली थी. एक बार मेरे को याद है अजबी, मैं नाइट शिफ्ट पे थी एंड मैं नाइट शिफ्ट और रात के 2-3 बजे वीर ने मुझे कॉल किया है. मैंने अभी अमेज़न ही देखी है तो वाज लाइक ओके देन सर मेरे को ना क्रिकेटर बनना है. मुझे अलग तरीके से इंस्पायर किया था, इस तरीके से नहीं इंस्पायर किया था. हाँ बट बिफोर दैट आई ऑलवेज जस्ट मुझे जो चीज देखता हूँ हाँ मुझे ये करना है, मुझे बट अभी तो मुझे मेरा फोकस, अब तो मैं फोकस्ड हो गया हूँ. आई जस्ट फोकस ऑन यू एंड यू एज फोकस विद मी. दैट्स इट. गिटार को लेकर है स्टार्टिंग एंड एवरीज लाइक मुझे पता नहीं कहाँ से सी देखा है, कहाँ से कुछ की मुझे गिटार सीखना है. मैंने ओके ठीक है गिटार सीखना है, गिटार लिया देन कि थोड़े दिन कहा पता नहीं किस कोने में और यहाँ पर दर्द हुआ यार, दर्द हुआ यहाँ पर, अब यहाँ दर्द हो रहा था यार, तो कब तक बजाऊंगा ऐसे. ना तो कोई चीज ना थोड़ा सा बस थोड़े टाइम के लिए, दर्द हो रहा था. बट इट्स नॉट अबाउट द वीडियो, 1K वीडियो, वीडियो का प्रॉमिस जो है वो भी फुलफिल करेगा. डेफिनेटली आई ट्राइड, मेरे को पूरा है. वैसे मैं अपना एम कभी बताना नहीं चाहिए बट अब बता दिया मैंने तो हाउ. अब ये लड़की यू आर फ्रेंड्स राइट, सो वी कैन डिस्कस एनीथिंग विद यू राइट. सो पता नहीं करेगी नहीं करेगी. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. नहीं मेरे को देखो हर एक को एक अपनी इंटेंशन होती है, तो आई हैव अ इंटेंशन. मे बी शी इज लेफ्ट अस इन बिटवीन, बट क्या करें, होपफुली ना करें, इसका पति अलाउ कर दे. सर उसे आपको वीडियो कैसी लगी बताएगा. वाला लाइक है वीडियो, शेयर वीडियो, इफ यू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशंस. सॉरी दोस्तों बहुत बड़ी वीडियो की, सीरियसली बहुत बड़ी, क्योंकि बिकॉज़ दिस वीडियो यार वर्क्स, इंस्पायर्ड रियली वर्क्स फॉर अस एंड आई गेस ये वीडियो जब आप हमारे साथ देख रहे हो तो ये आपके लिए भी उतनी इंस्पायरिंग हो. सो दोस्तों गो बाय, टेक केयर सेल्फ, यू साइनिंग आउट और अपना एम जरूर डेफिनेटली कमेंट में बताइए कि व्हाट यू दिस वीडियो. सो गो बाय बाय बाय.